लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है और हम हैं वाराणसी के पप्पू की अड़ी पर। पप्पू की अड़ी ये जो है यहाँ पर बनारस के नब जाना है तो ये ऐसा चाय दुकान है जहाँ पर सभी दल के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर राजनीतिक चर्चा, सियासी चर्चा होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि चाय के चुस्की भी ले रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। क्या यहाँ पर कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है, पूरा बीजेपी का माहौल है यहाँ पे। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा चुनाव में क्या होता है? दरअसल ऐसा है कि जो विकास वगैरह का मुद्दा जनरली जनता ये चाहती है कि उसका जो जनप्रतिनिधि चुना जाए उसके क्षेत्र का विकास हो, मतलब आम जनता की जो सुविधाएं से सड़क है, नाली है, बिजली है, पानी है, ये सब दुरुस्त रूप से मिले और जनता को कोई तंग न करे, शांति से जीवन अपना यापन कर सके। क्या यहाँ पर ठीक है सब कुछ? सब 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 यहीं पे नहीं, देश में, पूरे देश में। आप कहीं बैठे थे अभी 6 साल पहले तो होता था, अपने नीचे देख लीजिए, कोई झोला तो नहीं है, उसको हटा, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं, उसको हटा दीजिए। तो आप क्या मस्ती में कहीं भी बैठिए, देखिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, हम यहाँ बैठे। अच्छा, क्या यहाँ पर मुद्दा क्या है? विपक्ष कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी है, महंगाई है। तो कहाँ बेरोजगारी है, कौन बेरोजगार है? कोई बेरोजगार बताइए जो बाइक से न घूमता हो, हैंड ड्राइव मोबाइल न रखा हो, 100-200 का पान गुटखा खा के थूकता न हो, जिसका 5 रुपये खर्चा होगा रोज का, वो बेरोजगार है। यहाँ पर आज रोड शो भी है, प्रधानमंत्री का भी रोड शो है और अखिलेश यादव भी रोड शो कर रहे हैं। भाई देखिए, प्रचार का समय है, अब तो आखिरी पॉइंट है, करना चाहिए, ना करते तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, आखिरी समय है। देखिए, यूक्रेन का भी, प्रोफेसर साहब, यूक्रेन का भी यहाँ मसला आ गया है, उत्तर प्रदेश चुनाव में यूक्रेन भी। देखिए, यूक्रेन की बात उठा के इन लोगों ने बड़ी गलती कर दिया। तुरंत मोदी जी ने इनके उठाने के आधे घंटे बाद यूक्रेन से लौटे हुए बच्चों से बुला के बात कर लिया। आज सबको मालूम है कि यूक्रेन से किन परिस्थितियों में बच्चों को लाया गया, आज लगभग यूक्रेन खाली हो गया है, थोड़े से बच्चे बचे हैं, नहीं सब के सब चले आए हैं, और उसमें सरकार का क्या दोष है आप बताइए? आप गए, आपको एडवाइजरी जारी कर दी गई कि आप जल्दी से जल्दी लौट आइए देश, तो आप बैठ के इंतजार कर रहे थे कि बम गिरे तब हम चलेंगे। तो जब बम गिर रहा है, सरकार ने जितना अपने संबंधों का उपयोग करते बने किया, अपने प्रभाव का उपयोग करते बने किया, और आज स्थिति ये है यूक्रेन में कि भारतीय झंडा लगा के चलेंगे तो जान बच जाएगी, नहीं बम गिर जाएगा सर पर। देखिए, यहाँ पर यूक्रेन का भी मसला है, आप क्या लगातार पेपर पढ़ रहे हैं? हाँ सर, पेपर पढ़ रहे हैं, क्या है माहौल? माहौल तो फिर यहाँ भाजपा का है। क्यों, क्या क्या है यहाँ पे? सर लगभग लड़ाई कांटे की है, कुछ सीटों पे कांटे की लड़ाई है, लेकिन अमूलचूल भाजपा ही यहाँ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप बड़ी वाराणसी को और वाराणसी के आसपास इलाकों को बहुत करीबी से जानते हैं, क्या है यहाँ पर मुद्दा, क्या है और किस तरह से आप देखते हैं? ये पहली बार हो रहा है, पहली बार तो नहीं कहूँगा, इसके पीछे जो चुनाव बीते हैं उसमें जातीय गोलबंदी जो टूटी है वो अभी तक रफू नहीं हो पाई है। तो जातीय गोलबंदी पर जिन्होंने उम्मीदें अपनी लगा रखी हैं उनको निराशा होगी, ऐसा आपको लग रहा है? जी, मुझे एकदम लग रहा है कि जातीय गोलबंदी इस बार काम नहीं आएगी, और इसलिए परिणाम जो है वो लोगों को चौंकाने वाले मिल सकते हैं। जिन लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं उनको निराशा लगेगी, क्योंकि इस बार पहली बार जो है कम से कम वाराणसी क्षेत्र का जो मतदाता है वो काम पे वोट देने जा रहा है। देखिए, ये वाराणसी का नब जाना है तो इस दुकान पर आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है विभिन्न समुदाय, विभिन्न एज ग्रुप के लोग मिलेंगे, यूथ भी हैं आप बताइए कैसा चल रहा है, क्या है? बहुत बढ़िया माहौल है, और युवाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, और योगी जी ने भी पूरे यहाँ पूर्वांचल में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, अब जिला मुख्यालयों पर खुल रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा, सब ठीक है? बहुत बढ़िया माहौल है भाजपा का, भाजपा यहाँ से विकास विकास देख रहा है। क्या ओके सर, उन्हीं को आना ही है, और कौन कहाँ कौन इतना विकास किया जितना उन्होंने किया है? अरे भाई, यहाँ फ्री चल रहा है, बिजली फ्री की बात हो रही है, कोई कोई कोई
हाँ जी जी हाँ हाँ बताइए बताइए, यहाँ फ्री का भी है, कई लोग जो है बिजली फ्री, क्या क्या बातें चल रही है? हाँ फ्री तो रहना ही चाहिए, फ्री तो देना ही चाहिए, सरकार को टैक्स ले रही है तो फ्री देना ही चाहिए। क्या है माहौल यहाँ का? भाजपा जीत रही है, लग तो यही रहा। पिछली बार जब मोदी जी 3 दिन यहाँ रहे थे तो विपक्ष ने यही कहा था कि मोदी एकदम नर्वस हो गए हैं, यूपी इनके हाथ से निकल गया है, सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए ये यहाँ 3 दिन आए। बाद में जब रिजल्ट आया तब लोगों को पता चला क्या हुआ, वही स्थिति इस बार भी है। कमोवेश मुझे नहीं लगता कि 300 से कम सीट आएगी। मोदी जी पर भरोसा है? देखिए मोदी जी पर पूर्ण भरोसा है, और खासतौर पर 4 मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव जीतवाएंगे। पहला मुद्दा कि कोरोना पीरियड में योगी ने कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां दौरा नहीं किया और जहां पर लोगों को इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि ठीक से काम हो। दूसरा मुद्दा, उन्होंने दोनों वक्त का खाना दिया। तीसरा मुद्दा, लैंड ऑर्डर, जो यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा था कि कहीं भी किसी को भी फोन आ जाता था पहुंचा दो। कानून व्यवस्था का मुद्दा है यहाँ पर? व्यवस्था है ठीक, एकदम ठीक है, एकदम लॉ एकदम सही है। ठीक नहीं रहती तो ये गुंडे खुलेआम घूमते नहीं, आज गुंडे देश छोड़ के भाग गए हैं। देखिए कानून व्यवस्था ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये ध्यान में रखना, खास करके योगी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र की बात जब केंद्र की होगी तब मैं करूँगा। इन्होंने अर्थव्यवस्था को किसी भी हालत में आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए काम किया है, और इस समय सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अच्छा आप बताइए, पूजा पाठ करके भी आ गए हैं आप, हाँ क्या है यहाँ का माहौल? तो यही कि मोदी आएंगे, योगी जी से उम्मीदें काफी हैं। क्या यहाँ तो फ्री का भी चल रहा है कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री, कुछ और बातें कही जा रही है? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो टूरिस्ट हूँ। अच्छा आप टूरिस्ट हैं, आप? मैं लोकल हूँ यहाँ का, लोकल हूँ यहाँ का, लोकल है। क्या है मुद्दा यहाँ पे? शिक्षा को लेकर के है, और हर एक चीज में यहाँ पे एक मात्र जो यूपी का विकास का देखा जाए ना, तो भाजपा के अलावा कोई कर नहीं सकते यहाँ पे। तो भाजपा आएगी इस बार, वोट फॉर मोदी। तो यहाँ यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि विभिन्न ग्रुप के लोग हैं, और अगर आपको जैसा मैंने कहा कि बनारस का नब्ज जानना है तो आपको पप्पू की अड्डी पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो लोगों की राय जानना पड़ेगा, लोगों की राय आप साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं अपने अपने मुद्दों को रख रहे हैं, और कहना है कि इन मुद्दों के आधार पर वे अपने मत का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ पर चाय भी अलग तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है, क्या पहले से स्थितियाँ सुधरी हैं? अब चाय बनाने हम तो देख रहे हैं कि आप पहले भी, मैंने 4 साल पहले भी आपके पास आया यहाँ पर लगातार जो है, हमको देखते देखते हमारा दाढ़ी बाल कुल पक गया है सब। क्या जी छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर? सब ठीक ठाक, सब 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 एकदम सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन थोड़ा महंगाई बहुत दिक्कत है। ये देखिए सब ठीक भी है लेकिन कुछ बातें भी हैं जो कि इन्होंने स्पष्ट की। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़।